एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड लत्तू। ना यहाँ पे हो गया है दोपहर का टाइम और हम आ गए थे चंडीगढ़ से वापस, जैसा आपने प्रीवियस ब्लॉग में देख लिया। और आज हम जा रहे हैं सूबी का रिजल्ट लेने। इससे पहले जो पहले चंडीगढ़ वाला ब्लॉग था ना, वो मैंने आज जाके यहीं पर ही खत्म किया, मतलब इससे 4-5 किलोमीटर पीछे मैंने वो ब्लॉग खत्म किया। अभी सोचा चलो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आज एक क्या है, मतलब मेरा बर्थडे भी है आज। बोलती बार थोड़ी शर्म लग रही है कि आज मेरा बर्थडे है, जिंदगी का एक और साल कम हो गया। चलिए हैप्पी बर्थडे जरूर लिखिएगा सब, और एक बार फिर से आप हैप्पी बर्थडे, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू। शिवानी तो बोला नहीं मम्मा को, थैंक यू हैप्पी बर्थडे मम्मा, थैंक यू हैप्पी बर्थडे मम्मा, थैंक यू। आपको कौन से बर्थडे ऐसे बोला मेरा? अच्छा, मेरे को कुछ कमेंट भी आ रहे थे ना, मतलब वैसे होते हैं कुछ बीच में जिनको कुछ ना कुछ चाहिए, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो वाले, वो बोल रहे थे कि आप बताओ आपकी एज कितनी है, 60 की कितने बता रहे थे। मैंने बोला जी 60 नहीं है, 80 है, आपने गलत गेस किया। नीचे मैंने भी लिख दिया उनको। चलिए तो हालांकि मैं हर उसमें एज कोई छुपाने की बात तो है नहीं, जितनी है उतनी है, वो दिखता है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं स्कूल सुबह का रिजल्ट लेने, उसका जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट हम लेंगे आज, और उसके साथ हमें कुछ और काम भी है वो भी निपटाएंगे। हाँ बोल तो दिया मैंने, 37 कम्प्लीट हो गई आज मेरी, 38th लग गई। और पति देव की एज भी गेस कीजिएगा आप, ये कितने बड़े हैं मुझसे। चलिए अभी मिलते हैं आगे। लास्ट टाइम बैठे थे महेश में, हैं? लास्ट टाइम बैठे थे महेश में, अभी क्या आएगा शिवा? नॉक नॉक इट्स माय बर्थडे। क्यों शुभी? नॉक नॉक इट्स माय बर्थडे। धन्यवाद शिवा। पापा। आई एम पापा। यू आर पापा। वो कौन? आप पापा हैं, मम्मा हैं। ये शिवा है, ये सुबी है। नहीं मैंने कब बोला मैं शिवा हूँ, मैं तो सुबी। तूने बोला ना? मैंने कब बोला? लो जी हैप्पी बर्थडे। गुलाब जामुन कहाँ बनाएंगे? वही घर में बनाएंगे, घर में यहाँ नहीं खाएंगे। आपने बोल दिया, आपने बोल दो दिया कि समोसा खाना है। शिवा तेरा मुंह गंदा हुआ है, शिवू मुंह गंदा। रस मलाई खत्म। ओ माय, चलो टिक्की एक टिक्की बची है आपकी जिस्म में। ठीक है, सीधा बैठ जाओ, सिर तो ऊपर ले। टेस्टी बनाते हैं अंकल बहुत। ठीक है, अब इसको करेंगे हम चिल डाउन। शिवा को समोसा खाना बहुत पसंद है ना? मेरी पैसे की पार्टी हो रही है सारी की सारी, है? मेरे पैसे की पार्टी हो रही है सारी की सारी, है? समोसे तो भी पापा की तरफ से, तो यहाँ और भी खा सकती है कुछ। बगा इसको, बगा बगा। पार्टी करके फाइनली अभी हम जा रहे हैं। क्यों सुबी? सुबी कहाँ गई? आगे चली गई। कैसा लगा फिर सुबी को? अच्छा अच्छा लगा। पिज्जा की हुई गई ना पूरी इच्छा तेरी?
पे हो रहा है नेक्स्ट पे। हाँ नेक्स्ट पे आज फिर से सवारी है, लेकिन आज हम जाएंगे स्कूटी के ऊपर। और आज कहाँ जा रहे हैं, आज भी वही काम है, कुछ पोस्ट ऑफिस में जाना है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, गाड़ी नहीं लेके जाएंगे आज। तो अभी चलते हैं, अभी ये पता नहीं स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी आज स्टार्ट की कर ली होगी वो भी तो मार ही रहे हो सेल्फिस में, पता नहीं होगी आज स्टार्ट की कर ली पहुँचेंगे हम, ऐसा ना होगी कहीं गाड़ी नहीं जाना पड़े फिर से। स्कूटी में ऐसा होता है कि कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे गाड़ी पार्क करने को नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही है शहर में किस तरह से हौच पौच होता है। तो जहाँ पे हमने जाना है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती पार्किंग की, और फिर इसलिए हमने सोचा कि आज स्कूटी पे चलते हैं। तो अभी चलते हैं, और वैसे ओरिजिनल वाला बर्थडे मेरा आज है, यानी कि 30 सितंबर को। ब्लॉग मेरा बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जो चंडीगढ़ वाले ब्लॉग हैं और बाकी उससे पहले भी ब्लॉग थे वो मेरे अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि हम इतना बिजी थे। मैंने बोला आज नहीं हो पाएगी, बाइक पे चलते हैं। हो गई नहीं हुई, हो गई स्टार्ट है? हो गई जी, चलो फाइनली चलते हैं हम। और शटर कर दो बंद, पहले शटर बंद। बड़े गल का मुंह सूजा हुआ है, क्योंकि आज इनको ताजी हवा खिलाने का पूरा इरादा है। शुक्र है आप एस्ट्रोनॉट नहीं लग रहे आज। काफी देर हुई सर घुमाने के बाद, स्कूटी स्टार्ट हो गई, थोड़ा देर जा रही है। अभी हम पहुंच गए हैं झील के किनारे, पीछे आपको दिखेगी हमारी लेक, और इसको मैं दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ। क्या बोलते हैं ऐसे जी, सामने जो है ड्रेजर है, ये सामने लगा हुआ, और ये लगा है शायद सीट की ड्रेजिंग करता है बोलते हैं। ये तो पूरी ट्रेन की तरह नहीं लग रहा है, अभी खोदेगा ना सीट निकाल के फेंक देगा कहाँ, रिजर्वायर बाहर। उसके ऊपर देखो कूड़ा भी है, उसके ऊपर कूड़ा वगैरह भी निकालता है क्या, वो जो दिख रहा है सामने। हाँ ये गार्बेज इकट्ठा किया है। चले चले, हो गया सिवा का टाइम जी। देखा सिवा ने भी, देखा मंकी आपने, पकड़ेंगे कैसे वो चूप देता है। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर हो गया है सुबह का टाइम, और सुबह देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, पीछे देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा, हम पहुँच गए हैं पुराने घर में। मतलब कल हम आ गए थे सीधा, फिर मार्केट से आए थे, मार्केट से क्या उसके बाद हमने शिवा का आधार कार्ड अपडेट करवाने को भी था, वो भी हमने अपडेट करवाया। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर से फटाफट से पैकिंग वगैरह, पैकिंग क्या की हमने वहाँ पे, क्लोजिंग वगैरह की, और फिर हम आ गए पुराने घर, क्योंकि पतिदेव के पास भी दो छुट्टियाँ बची हैं, और जो बच्चों के पास बच्चों को भी दो छुट्टियाँ हुई थी, तो फिर हम पुराने घर आ गए थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल तो भेजना नहीं था, तो इसलिए हम कल आ गए थे अपने पुराने घर, शाम को आए थे मतलब। फिर शाम को मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि शाम को अंधेरे में ही हम यहाँ पे पहुँचे, फिर खाना वगैरह बना हुआ, और उसके बाद हम सो गए। तो चलिए अभी सोचा मॉर्निंग में चलो ब्लॉग और अपडेट भी आपको कर देती हूँ। यहाँ पर मैं अभी नल का खोलूँगी, पहले मुझे पाइप जोड़नी पड़ेगी, टंकी में लगानी पड़ेगी, क्योंकि टंकी में पानी नहीं है, तो टंकी को पहले भरते हैं। पानी तो हमारे यहाँ पे आ गया, पानी हमारे यहाँ पे सुबह सुबह ही आता है, बस सुबह भर लिया तो भर लिया, नहीं तो फिर सारा दिन नहीं भर पाएंगे। यस, ये तो टंकी में जोड़ी हुई है भाई, बस मैं यहाँ पे नलका ऑन करूँगी सिर्फ, क्योंकि पाइप ऑलरेडी टंकी में है, और टंकी एक बार चेक करके देख लेती हूँ कितना है टंकी में पानी। टंकी ऑलमोस्ट आधी है, थोड़ी देर लगेगी इसको भरने में। और सुबह सुबह वो सभी लोग चले गए हैं खेत में, खेत में कुछ जई वगैरह बीजनी होगी,
जैसे गाय के लिए घास वगैरह बीजना है तो वहाँ पे चले गए हैं पति देव, छुबी, शिवा और अम्मा दादा उनके, वो सब लोग नीचे चले गए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी हलचल आपको दिखेगी, तो वो रहे वहाँ पे इधर। और यहाँ पर मौसम बना हुआ है आज कुछ इस तरह से, बिल्कुल एकदम से धूप खिली हुई है। और वहाँ पर आपको दिखेगा जो खड्ड वाला एरिया है, वहाँ पे आपको दिखेगा लोगों ने घास काटना स्टार्ट कर दिया। ये जो आपको लाइनों में दिख रहा है, घास काटा हुआ है लोगों ने, ये सुखा करके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी उंगली के बिल्कुल सामने, वहाँ पे लोगों ने घास इकट्ठा घास काटना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम सरलू बोलते हैं। तो वो बस क्योंकि अभी धूप है तो फिर लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, मक्की के काम से फ्री हो गए हैं, तो अभी पहाड़ों में बस यही काम चलेगा घास काटने का। घास काटा जाएगा फिर उसको रखा जाएगा ढोकर के इकट्ठा, और अगर कहीं बारिश बीच में बारिश हो जाए तो फिर ये घास खराब हो जाता है, क्योंकि ये सड़ने लग जाता है जैसे इकट्ठा घास जो काटते हैं, इसलिए लोग देखते हैं मौसम देख के काम होता है भाई आजकल। तो मौसम अभी ठीक है, धूप खिली हुई है, कई दिन हो गए बारिश तो नहीं हुई, तो इस वजह से बस लोगों ने भी ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी और ये जो घास वाला काम है हमारे भी होता है, हम कुछ खरीद के कर लेते हैं घास इकट्ठा घास, और कुछ हम खुद काटेंगे गाय के लिए, थोड़ा बहुत काटेंगे, मतलब 200 के आसपास, हमारे 200 या 300 समथिंग के आसपास जो पुल्ले बोलते हैं हम उसे लोकल लैंग्वेज में, वो हम काटेंगे और बाकी हम कुछ खरीद के कर लेंगे। तो वो सर्दियों का स्टॉक होता है सारा, जैसे सर्दियों में ज़्यादा ठंड होती है या कुछ, तो उसको थोड़ा बहुत हरे घास के साथ मिक्स करके फिर उसको गाय को खिलाया जाता है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में मैं बनाऊंगी खाना, सब लोग चले गए हैं नीचे तो मैं बनाऊंगी अभी खाना, और मुझे लगता है ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसके साथ ही मुझे ब्लॉग भी एंड करना पड़ेगा और फिर मैं और ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। कई दिन हो गए मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे हैं रेगुलर, वो इसी वजह से कि कुछ दिन तो चंडीगढ़ में लग गए, उसके बाद वहाँ पे भी एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से सुबह से लाइने में खड़े रहो शाम तक लाइनों में, और वहाँ पे इतना फर्स्ट मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, कि जो भी पीजीआई गए होंगे उनको पता ही होगा कि कितना रस होता है और किस तरह से दिमाग ख़राब होता है टेस्ट के लिए भाग दौड़। ये तो शुक्र है कि हमारे ताया वगैरह और वो मेरी भाभी वगैरह साथ में थी, तो हमारा काम मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, मुश्किल तो होती है लेकिन वो था कि ढूंढने में ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो साथ में थे, वो पहले भी गए हुए हैं, बच्चे को जैसे ले जाते रहते हैं तो फिर उनका बहुत साथ मिला, तो उस वजह से हमारा काम भी थोड़ा, बट उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है, टेस्ट वगैरह बहुत कुछ। चलिए अभी बस भगवान करे कि शिवा एकदम से ठीक हो जाए और वही सो सकते हैं, और कुछ नहीं, इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, प्लीज़ कमेंट करते रहिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और अब ढेर सारा प्यार बरसाइए अपना ब्लॉग के ऊपर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।